मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। तो आज तो व्लॉग बनाने का ऐसा कोई ख़ास मकसद नहीं था, कुछ पर्सनल मसरूफियत की वजह से बहुत कम होता है कि मैं किसी दिन व्लॉग बना लूँ। तो आज की वीडियो बनाने का असल मकसद ये है कि जो एशिया कप चल रहा है हमारे वहाँ, तो इसमें आज का जो मैच हुआ श्रीलंका और अफगानिस्तान का, ये देखकर एक बहुत ही अफसोस हुआ कि इतने अच्छे मोमेंटम पे, इतने अच्छी विकेट पे आके इतना बेहतरीन तरीके से जो खेला आज अफगानिस्तान ने, कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2 रन से उनकी हार हुई और उन्होंने 291 रन का टारगेट 40 ओवर से भी पहले चेस करने का उनका चांस लग रहा था कि ये 40 ओवर भी नहीं होने देंगे और उनका टारगेट ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल के क्या बताएं, समझ से बाहर है। वो एक मीम नहीं चलता, मैं तो टूट गया आज यार, वही हाल हुआ है आज। राशिद खान की मेहनत, नबी की मेहनत, मोहम्मद नबी इतना तेज खेल कर, इतना अच्छा खेल कर आज अफगानिस्तान को कहाँ से कहाँ किस मोमेंटम पे ले आए, उसके बाद जाकर ये हर टीम का होना एक समझ से बाहर है। मतलब समझ नहीं आया कि ये आखिर में हुआ क्या। मतलब 7 विकेटों तक भी इनका स्कोर बहुत अच्छा खासा था। राशिद खान ने सेकंड लास्ट ओवर के अंदर, मैच ख़त्म होने से पहले जो सेकंड लास्ट ओवर था उसके अंदर भी जो है 3 चौके लगा दिए थे और बिल्कुल मैच इनके हाथ में था। फिर पता नहीं वो सेकंड लास्ट बैट्समैन का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसने इतना एक, मतलब उस शॉट की ज़रूरत ही नहीं थी, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी उस शॉट की, उसने आकर वो शॉट लगाया। उसे चाहिए था बिल्कुल सिंगल लेकर वो राशिद खान के हवाले उस मैच को कर देता, तो शायद मैच की पोजीशन कुछ और होती। और वीडियो के अंदर मैं अफगानिस्तान के भाइयों के लिए सपोर्ट करके खुश हो रहा हूँ डबल के उनके लिए, लेकिन अब अफगानिस्तान एशिया कप के दौर से बाहर हो गया। अब हमारा पाकिस्तान इंशाअल्लाह बाकी राष्ट्रों में मिलेगा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप, ये एशिया कप जीतेगा और फिर आने वाले वर्ल्ड कप के अंदर भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम जो सबको फाइट करेगी। दुनिया की नंबर 1 टीम है इस वक्त माशाल्लाह हमारी, बात तो सही है। तो आप भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं किसी और शॉट पे। अभी बस अपने काम से फारिग होकर घर की तरफ रवाना होंगे। मेरे को जाना पड़ेगा। हाँ जी, तो अब हमारी तैयारी है एक छोटे से राउंड पे जाने की। मैंने कहा यार आज दूसरा दिन हो गया कि मेरा व्लॉग नहीं हो रहा, तो मैंने कहा चलो आज भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए जो है ना एक वीडियो हो जाए ना। तो बस आज देखते हैं कहाँ जाना है, अब तो कुछ प्लान नहीं है, लेकिन बस अब कर रहे हैं कोशिश कुछ ना कुछ प्लान करने की। अच्छा जी, सोचा तो कुछ नहीं था, प्लान कुछ भी नहीं था, लेकिन अब चलते चलते मुझे याद आया कि मेरी गाड़ी का जो इस साइड वाला जो बम्पर है ना, इस साइड वाला, वो थोड़ा सा बाहर आया हुआ, पता नहीं उसको कोई क्लिप का मसला है, उसका क्या इशू है। वो जाके मैंने सोचा कि चले अब निकले ही हैं तो आज ये काम हो जाए और व्लॉग भी हो जाएगा। तो बस अब हम उस तरफ जा रहे हैं और देखें क्या होता है, अभी होता है नहीं होता है, कोई करने वाला है या नहीं। वैसे एक है जानने वाला, वो इंशाल्लाह मौजूद होगा जमशेद रोड पर इस वक्त, तो बस अभी उसी तरफ जा रहे हैं। तो फिर देखते हैं, फिर आपको वहाँ पे भी दिखाएंगे कि क्या सीन है। तब तक आपको रास्ते में दिखाते हैं कि हम किस रूट से जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो तब तक एंजॉय कीजिए।
गया भाई हमारा बम्पर बिल्कुल तैयार वीआईपी। अच्छा जी, अब जो है जमशेदपुर उड़ाना हुआ तो बम्पर वम्पर के बनाने के लिए तो फिर जो है एक दोस्त को कॉल की तो बोला यार हम नीचे बैठे हुए घर के पास तो आ जाएं, तो अब बस उनसे एक छोटी सी मुलाकात करेंगे और फिर इसके बाद जो है अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी जा रहे हैं अपने उन दोस्तों से मिलने के लिए, काफ़ी दिनों के उनसे भी मुलाकात नहीं हुई तो आज इसी बहाने उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपको फिर अब घर जाने की छोटा सा क्लिप दोस्तों से मिलने के बाद घर जाने की एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाएंगे और फिर घर पहुंच के आपसे इंशाल्लाह इस व्लॉग को एंड करेंगे। हाँ जी, तो अब हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन रात के दो बज चुके हैं। तो भाई ऐसा ही होता है कि जब दोस्तों में चले जाए बंदा तो फिर इसके बाद जो है टाइम नहीं पता चलता। तो सब घर की तरफ रवाना हो रहे हैं, इंशाल्लाह घर पहुंच के आपसे बस इस व्लॉग को एंड करेंगे। जब गाड़ी जैसे पार्क करेंगे तो हम इंशाल्लाह फिर इस व्लॉग को एंड कर देंगे। तो मेरा गुजर हो रहा था तो मैंने देखा ये कंटेनर्स पड़े हुए हैं ना, तो मैंने कहा इतने सारे कंटेनर्स क्यों यहाँ पर मौजूद हैं। मैं रास्ते में अभी सोच ही रहा था कि ये क्या सीन है कि भाई इतने सारे कंटेनर्स रोड पे आ गए, तो अब अचानक बस चलते थे गाड़ी चलाते चलाते ही मुझे याद आया कि परसों हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चहलुम है, तो उसके जुलूस के लिए ये सारे कंटेनर्स अब ये हर जगह, ये हर गली में जैसे इस तरह यहाँ पर यहाँ मौजूद हैं, ये इस गली के अंदर मतलब हर जगह से रोड ब्लॉक किए जाएंगे। ये देखिए ट्रक खड़ा हुआ भी उतारेगा कंटेनर, तो ये सारे रोड ब्लॉक किए जाएंगे अब क्योंकि जुमेरात वाले दिन इनका जुलूस है और काफ़ी सारे थ्रेट्स होते हैं और एक तो बहुत बड़ा हादसा हो भी चुका है, एक धमाका हुआ था लाइट हाउस पर जब यहाँ मैंने अभी ट्रक, तो मैं यही बता रहा था कि एक सानिया हो चुका है तो उसके बाद से जो है ये पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है कि आइंदा कभी ऐसा ना हो। तो चले, अब जुमेरात वाले दिन जो है ये सारी दुकानें पूरी मार्केट्स वगैरह सब बंद होंगी चहलुम की वजह से, तो बस हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक खैर वापस से सारे मामला हो जाए उस दिन के। अब बस अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए आ गए हैं तो यहीं से हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे व्लॉग में। तब तक अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें और मेरे व्लॉग को पूरा देखा करें। अल्लाह हाफिज़।